कहानियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आज के कंटेक्स्ट में बात करें तो सिनेमा का क्या काम है? एंटरटेनमेंट वो शक्कर की तरह है जो कड़वी दवाई को निगलने में मदद करती है। लेकिन आजकल के कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो पैसे कमाने के लिए बस लोगों को शक्कर खिलाते रहते हैं। इसी कारण हम सबको डायबिटीज हो रखी है, फिर भी हम और शक्कर खा रहे थे। पैंडेमिक में जब ये पिक्चर आना बंद हुई थी, तब कुछ हद तक हमें हमारी गलतियों का एहसास हुआ और हर पिक्चर पर पैसे बर्बाद करना हमने कम कर दिया। वैसे लोगों को एंटरटेन करना कोई गलत बात नहीं है, थोड़ा हंसी मजाक तो हर एक के जीवन में होना चाहिए, थोड़ा। अगर प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि वो अपने पिक्चरों से अधिक पैसा कमाएं, तो उन्हें स्टोरी टेलिंग की पावर को समझना पड़ेगा और उसे यूज करना पड़ेगा। जैसे कहानियों में शक्ति होती है इतिहास को बदलने की, मरे हुए लोगों को जिंदा करके ऐसी कहानियां बताए जिससे हर कोई प्रेरित हो। और कोई व्यक्ति इंस्पायर तब होता है जब पिक्चर देखने के बाद उस व्यक्ति को वो कहानी सोचने पर मजबूर करती है। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष आई हुई पिक्चर RRR में जो दो मेन कैरेक्टर है, उनमें जब भी लड़ाई हुई तो उनके बीच में विचारों का अंतर दिखाई दे रहा था। एक को लगता था कि देश के लिए किसी की भी जान देना जायज है, लेकिन दूसरा एक जान को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था। कुछ ऐसा ही हम देख सकते हैं गांधी गोडसे एक युद्ध में। इस कहानी के जो दो मुख्य पात्र है, वो दोनों भारत को एक आजाद और विकसित देश बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों का तरीका अलग था। इनके विचार समझने के लिए ही ये एक काल्पनिक कथा बनाई है, जहां पर गोडसे गांधी को गोली मारते हैं, लेकिन गांधी उस हमले से बच जाते हैं। और फिर एक डिबेट शुरू हो जाती है दोनों के बीच में कि कौन सही है और कौन गलत। अगर इस संसार को बचाना है, मानवता को बचाना है, तो हिंसा को, हर तरह की हिंसा को छोड़ना होगा। आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। ये भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा। तो कौन सही है, ये सोचने वाली बात है। मेरा मानना है कि गांधी गोडसे एक युद्ध का अंत भी वैसे ही होगा जैसे RRR का हुआ है। अपने आपसी मतभेद भुला दो और एकजुट हो जाओ मेन विलन को हराने के लिए। ये सुनकर कुछ लोग सोचेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ये तो इतिहास की बात है। गांधी और गोडसे दोनों की मृत्यु हो चुकी है और भारत को आजादी मिल चुकी है, तो इनकी बात सुनकर क्या फायदा। सच तो ये है कि आज भी भारत के लोग अपने विचारों द्वारा बटे हुए हैं। RRR के केस में ही देख लो, ये एक ऐसी पिक्चर है जिसे पूरी दुनिया ने प्यार दिया है, लेकिन उसे क्रिटिसाइज करने वाले हमारे ही कुछ भारतवासी है। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आपको पठान देखने जाना है तो जाओ, लेकिन गांधी गोडसे एक युद्ध अगर सचमुच उतनी अच्छी पिक्चर है जितना टीजर में देख के लगता है, तो इस पिक्चर को मिस नहीं करना। इस पिक्चर में कोई बड़ा फिल्म स्टार नहीं है, कोई भी गाने नहीं है, आइटम सॉन्ग नहीं है, सिर्फ एक युद्ध है, विचारों का युद्ध, जो हमारे जीवन को, भारत के इतिहास को बदलने की क्षमता रखता है। मैं तो इसी पिक्चर को देखने जाऊंगा 26 जनवरी को जब ये पिक्चर रिलीज होगी, और पिक्चर देखने के बाद इसके बारे में हम बात करेंगे इसी चैनल पर। तब तक अस्थिर चित्र पर बने रहिए। धन्यवाद।